बड़वानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में आयोजित पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि कार्यक्रम के दौरान बड़वानी के लाभार्थी संतोष सावले से भी वर्चुअल तरीके से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सावले से जाना कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान बंद हो गई अपनी पानी पूरी की दुकान को स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत मिले बिना ब्याज की राशि से किस प्रकार पुनः स्थापित किया। मुख्यमंत्री से वर्चुअल संवाद के दौरान सावले ने उन्हें स्ट्रीट वेंडर योजना के साथ साथ अन्य योजनाओं के तहत भी मिले लाभ के बारे में बताते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि अगर स्ट्रीट वेंडर योजना का लाभ उन्हें नहीं मिलता तो वे आज अपनी बेटी को जबलपुर में डॉक्टरी की पढ़ाई करवाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। सांसद द्वय एवं भाजपा अध्यक्ष ने खाया पानी पूरी एमपी यूज कास्ट जिला ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र केवट अगले साल 20,000 फिर मिल जाएंगे बेटी का बता दो और वो वापस किए तो फिर 50,000 उसके बाद मिल जाएंगे तो धीरे धीरे अपना काम बढ़ता जाएगा है ना। हाँ सर, आपकी योजनाओं का और भी बहुत लाभ मिल रहा है बाबा जी। और कौन कौन सी योजना का लाभ मिला? सफल योजना का, प्रधानमंत्री अपने जो जनधन खाता। और चलिए अच्छा एक बात सच्ची सच्ची बताना, मामा मुख्यमंत्री बन गया चौथी बार तो खुशी हुई कि नहीं हुई? बहुत बहुत दादा, दिल से आपको बधाई दे रहे हैं और अभी के आशीर्वाद से मेरी मेडिकल कॉलेज कर रही है। चलो बहुत सुखी रहो भैया, पूरा परिवार सुखी रहे। हमारे सांसद मित्रों को और जिलाध्यक्ष को भी धन्यवाद। हमारे आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी के द्वारा मेरे इस लोकसभा क्षेत्र के बड़वानी शहर के एक ऐसे दो हितग्राहियों को लाभ दिया गया जिसकी इस ज़िले की संख्या 700 से अधिक लोगों को स्ट्रीट वेंडर के द्वारा 10,000 रुपये का बिना ब्याज का पैसा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के खाते से दिया गया। इसमें श्री संतोष सावले और एक हमारे महेश धनगर, ये दो लोगों का संवाद माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाना था और मैं इस लोकसभा की जनता की ओर से मेरे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जिलाध्यक्ष भाई ओम सोनी जी, मेरे राज्यसभा के सांसद भाई सुमेर सिंह जी, हमारे राजपुर के नेता भाई अंतर भाई पटेल जी और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के बंटी पुरोहित और अन्य कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से छोटे तबके के लोग जो रोज़गार के लिए तरसते हैं, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए जो पहल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने की है, मैं उनको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और इस कार्यक्रम और इस आयोजन के माध्यम से पुनः मध्य प्रदेश की जनता ने जो मध्य प्रदेश के शिवराज जी को चुना है, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ। और बड़े हर्ष का विषय है कि नगर में इस प्रकार के छोटे समाज के लोग जो अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा छोटी छोटी योजनाओं के माध्यम से 10,000 है, 25,000 है, 50,000 है और 50,000 से लेकर 25,000 तक के बड़े उद्योग डालने के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं के माध्यम से उनको लाभ दिया जा रहा है और उसी को लेकर यह कार्यक्रम एमपी स्ट्रीट वेंडरों का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं पुनः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बड़वानी के संगठन के जिलाध्यक्ष ओम सोनी जी की ओर से, हमारे भाई सांसद सुमेर सिंह जी की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ। महोदय, आज कार्यक्रम के पश्चात आप लोगों ने संतोष सावले की दुकान पर पहुंचकर भेलपूरी भी खाई, कैसा स्वाद था? मुझे लगता है कि जो मदद मध्य प्रदेश की सरकार ने एक ऐसे जनता को दिया है जिसकी आनंद का अनुभूति हम सब ने लिया है, 10,000 रुपये का बिना ब्याज का पैसा देने के बाद में उसने इस बड़वानी शहर के करंजा चौराहे पर चाट की दुकान उसने खोली और आनंदित होकर उसने चाट बनाई है और इसलिए हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और एक आनंद की अनुभूति और हमने उसको ऑनलाइन पेटीएम के तहत उसको 100 रुपये का उसको पैसा भी दिया और 100 रुपये के हमने भेलपूरी भी खाई, पानी पताशे खाए और हमने भी उसका आनंद लिया। स्वादिष्ट हमारा पानी पताशे का संतोष भाई ने खिलाया है और उसका स्वाद पूरी जनता ले और उसका आनंद की अनुभूति हमको भी हुई है और भाई संतोष को भी, उन्होंने हृदय से मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त किया है और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को धन्यवाद दिया।